बड़ी खबर आ रही है, योगी की सोशल मीडिया नीति पर कांग्रेस ने हमला बोला है। डिजिटल मीडिया पर सरेआम कब्जा, कांग्रेस ने कहा है चोर दरवाजे से तानाशाही लाई जा रही है, नई डिजिटल नीति से लोकतंत्र को खतरा है। तो देखिए, योगी सरकार ने फैसला लिया है कि इन्फ्लुएंसर्स के जरिए जो सरकारी योजना है वो आम जनता तक पहुंचाई जाएगी और इसके लिए इन्फ्लुएंसर्स को वेतन भी दिया जाएगा। इसी बात को लेकर के कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और कहा है कि डिजिटल मीडिया पर सरेआम कब्जा करना चाहती है योगी सरकार। ये सरकार भाजपा की चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। लेकिन जिस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, अभिव्यक्ति पे रोक लगाई जा रही है कि आजाद देश में अपनी कानूनी राय, अपनी कानूनन जो उचित है वो कहने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। भाजपा के इस कदम की मैं निंदा करता हूँ। लोकसभा चुनाव नतीजों के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। यूपी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है जिसके बाद अब इन्फ्लुएंसर्स को हर महीने 2 से 8 लाख रुपए के विज्ञापन देने की तैयारी है। यूपी में बीजेपी को इस बार 29 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ। इस हार की बड़ी वजह सोशल मीडिया में विपक्ष का भारी पड़ना माना गया। इसके बाद से ही यूपी की योगी सरकार होमवर्क में जुट गई थी। अब सरकार ने अपने कामकाज का प्रभावी प्रचार करने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार की है और कैबिनेट ने इसे पास भी कर दिया है। इसके मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर को फॉलोअर की संख्या के हिसाब से हर महीने पैसे दिए जाएंगे। बस शर्त यह है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को यूपी सरकार का प्रचार करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें सूचना विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर के लिए एक जैसी कैटेगरी बनाई गई है। इसके 4 कैटेगरी हैं और फॉलोअर के हिसाब से 2, 3, 4 और 5 लाख रुपए मिलेंगे। यूट्यूब वालों के लिए अलग तरीके से 4 कैटेगरी बनाई गई है। इन्हें 4, 6, 7 और 8 लाख रुपए हर महीने देने की योजना है। लेकिन अगर कभी यूपी सरकार को लगा कि इन्फ्लुएंसर के कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यूपी से पहले राजस्थान में भी इस तरह की पॉलिसी आई थी, तब अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री थे।